हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, डॉक्टर वेंकटेश्वर शर्मा, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर इसरो हमारे साथ हैं। सर, जब पीएम ये कहते हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है, जब पीएम ये कहते हैं कि चंदा मामा दूर के, अब हम ये नहीं कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के, हम ये कहेंगे, तो यहाँ से आगे का क्या रास्ता नजर आता है? भारत अब क्या बड़े बड़े मिशन की तरफ आगे बढ़ेगा, क्या हासिल करेगा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो शुरुआत है वो ज़रूर है, ये शुरुआत, ये सैटेलाइट और रॉकेट का ये मामला, ये इंडिया और इसरो का प्रोग्राम क्या है आप देख सकते हैं। इसमें रॉकेट में ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और हेवी लिफ्ट व्हीकल और रिकवरेबल व्हीकल एंड ऑटोमेटिक लैंडिंग व्हीकल्स, ऑल दोस एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। सैटेलाइट में भी बहुत सारा प्रोग्राम्स है, एक है साइंटिफिक मिशन सच एज चंद्रयान, मंगलयान एंड सेवरल एस्ट्रोसैट, सच टाइप ऑफ मिशंस आर देयर। और आगे बढ़ के हम मंगलयान करके मंगल में लैंडिंग करना करने का एक प्रोग्राम है, और उसके बाद आदित्य का प्रोग्राम इमीडिएट है, सितंबर फर्स्ट वीक में इसरो ने अनाउंस किया है। वो आदित्य सन का वो अध्ययन है, उसका प्रोग्राम चलेगा सितंबर फर्स्ट वीक में, ये लॉन्च होगा और इट टेक 6 months फॉर द सैटेलाइट टू रीच द लैग्रेंजियन पॉइंट ऑफ द आदित्य, फ्रॉम वेयर द सैटेलाइट विल मेक स्टडीज ऑफ द सन एंड आफ्टर दैट, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने बताया, ये वीनस का प्रोग्राम है और रिपीट ऑफ मंगल चंद्रयान में भी मैन टू मून का प्रोग्राम भी होने का ज़रूर उसके बारे में बात होगा। और इसके बीच में ही इमीडिएट प्रोग्राम गगनयान है, वहाँ से 2-3 लोगों को के लिए वो स्पेस में लेके जाएगा और वहाँ से वी विल गेट देम बैक टू द लैंड। दिस आर ऑल द प्रोग्राम्स विच आर शेड्यूल्ड फॉर साइंटिफिक मिशन एंड बियॉन्ड दिस देर इज कन्वेंशनल जियोसिंक्रोनस मिशन वेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर बींग मेड एंड वी हैव मेड 4-ton क्लास कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 6-ton क्लास हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का वो प्रोग्राम है वो चलता ही रहेगा, और हेवी वेट लिफ्ट व्हीकल से हम कम्युनिकेशन का सैटेलाइट वेरी हाई रेजोल्यूशन एंड वेरी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स आर आल्सो बीइंग थॉट अबाउट एंड दैट प्रोग्राम विल गो ऑन। एंड वक्त में क्या मिशन है? देयर इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एंड आल्सो द INSS type of satellites, navigational satellites are also in progress and they are all going to be the next generation satellites which are going to come out from ISRO. तो देखिए, आने वाले वक्त में क्या मिशन होने वाले हैं, इन मिशन की चर्चा अभी से क्यों हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था, इस पर तो मैं बात करूंगी। लेकिन वेंकटेश्वर जी, जो अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं जो इसरो लगातार जारी कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं लैंडर विक्रम से प्रज्ञान रोवर निकलता हुआ, और अब प्रज्ञान रोवर वो करेगा जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, ये तस्वीरें एक हिंदुस्तानी तो ऐसे देख रहा है कि देखिए हमारा नाम अब चंद्रमा पर है, भारत अब चंद्रमा पर पहुंच गया है, लेकिन इसे साइंस की भाषा में अगर समझें तो ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, अब हम क्या कर रहे हैं चांद की उस सतह पर जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां जाके लैंड होके वहां रोवर बाहर निकलना ही एक बहुत बढ़िया साइंस है, उसमें रोविंग करना सेकंड बिगेस्ट साइंस, और इसके अलावा उसमें 2 पेलोड भी है, रोवर में 2 पेलोड है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पेलोड है, वहाँ से वो साइंस का स्टडी होगा, क्या पानी है, मेटल है, मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, वो कैसा यूज़ कर सकते हैं, इसका पूरा अध्ययन होगा। इसके अलावा लैंडर में भी 3 पेलोड्स है, रंबा द मेजर्ड सरफेस प्लाज्मा मेजरमेंट के लिए रंबा पेलोड है, और 6 पेलोड विद थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, यू कैन सी द थर्मल एंड मैकेनिकल एक्सपेंशन on the moon and study of the thermal profile of the moon and instrument for lunar seismic activity, jaisa wo bhoomi mein karte hain seismic activity to know the disaster related aspects,
ये चंद्रमा में लैंडर का वो पेलोड ये काम करेगा, ये बहुत साइंस का बहुत यूजफुल डाटा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।